करनाल के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने होली के मद्देनजर अपने संदेश में कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते होली के सभी प्रोग्राम रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम इस दौरान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने घरों में रहकर ही होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी संस्था व धार्मिक संस्था फूलों की होली के माध्यम से भीड़ को इकट्ठा करने का कार्य करेगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और FIR दर्ज कर मामला भी दर्ज किया जाएगा। होली पे कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को शहर के? होली पे लोगों का मेरी तरफ से मैसेज रहेगा कि सरकार ने होली सेलिब्रेशन सार्वजनिक तौर पर बंद कर दिए हैं, तो लोग सार्वजनिक तौर पर बिल्कुल ना मनाएं। अगर इस तरह की कोई इंसिडेंसेस हमारे नॉलेज में आते हैं तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, चालान भी करेंगे और IPC और डिजास्टर मैनेजमेंट की विभिन्न धाराओं में FIR भी दर्ज कराएंगे। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।